हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस साइड प्रियंका सक्सेना। चलिए अब हम सब मिलके आज शुरू करेंगे ऑडिटिंग। सब मिलके पढ़ेंगे और समझेंगे ऑडिटिंग, अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। ऑल्दो उसमें टर्म्स जो है, लैंग्वेज जो है, कहीं कहीं टेक्निकल आ सकती हैं, बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। यानी अगर आप पूरे लॉ का लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे तो आप साथ साथ ही खुद ही लॉ उसका ड्राफ्ट कर लेंगे। आइएगा शुरू करते हैं ऑडिटिंग। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू एग्जामिन, कुछ एग्जामिन करना, चेक करना। और लैटिन वर्ड हम इंडिया में आज भी फॉलो करते हैं बिकॉज लैटिन इज द लैंग्वेज इन विच लॉ वॉज इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। लॉ पहली बार लैटिन लैंग्वेज में बना था, तो लॉ में बहुत सारी लैटिन की कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एज इट इज फॉलो की जाती है। जैसे एक टर्म है ऑडिट, ऑडिट का लिटरल मीनिंग है टू एग्जामिन, और ऑडिटिंग का मतलब होगा द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सिंपल सी बात है, ऑडिट का मतलब एग्जामिन और ऑडिटिंग का मतलब होगा द प्रोसेस टू एग्जामिन। अब क्या एग्जामिन करना है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक समझना है। आइएगा समझिए, एक कंपनी है। कंपनी क्या होती है? इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सर, इस कंपनी में जो पैसा होगा, जो फंडिंग होगी, वो शेयर होल्डर्स क्रिएट करेंगे, शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और उस पैसे की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। शेयर होल्डर्स खुद डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और जो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ने चुने हैं उन लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने दिया है उसको मैनेज करें। हाउएवर, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, इसका मतलब शेयर होल्डर्स रहे ना रहे, डायरेक्टर्स रहे ना रहे, कंपनी एज अ थर्ड आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्ट करती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। इट इज अ परपेचुअल सक्सेशन। आप लोगों ने बचपन से ही 11, 12 से ही बातें पढ़ी होंगी। तो सर, शेयर होल्डर कंपनी के रहे ना रहे, डायरेक्टर्स रहे ना रहे, आए दिन बदलते रहे, बट कंपनी की एग्जिस्टेंस हमेशा चलती रहेगी अनलेस अंटिल उसे वाइंड अप करके डिसॉल्व ना किया जाए। ठीक है, अब इस सेपरेट लीगल एंटिटी में काम कैसे होता होगा, सोचिए। शेयर होल्डर्स पैसा डालते हैं कंपनी के अंदर, बट दे आर वेरी लार्ज इन नंबर्स। वेरी लार्ज इन नंबर्स का मतलब क्या है? सर, हजारों लाखों लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, बट अगर इन हजारों लोगों को हम कहें कि भाई साहब कंपनी का डेली अफेयर, डेली मैनेजमेंट मैनेज कीजिए, तो आए दिन झगड़ा होता रहेगा। बिकॉज कोई भी एक छोटे से छोटा डिसीजन लेना है, बड़े से बड़ा डिसीजन लेना है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके उनसे पूछना उस डिसीजन के लिए इज अ वेरी क्लमजी थिंग। बहुत ही कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है, बिकॉज हर किसी को एक ही बात पे एग्री कराना इज नेक्स्ट टू पॉसिबल, इज बिट डिफिकल्ट। तो भाई साहब, हजार शेयर होल्डर्स हैं, हजार शेयर होल्डर से पूछा जाए कि कंपनी में हम डिसीजन मेकिंग के टाइम पे किसी एक्स पर्सन को एज एन एम्प्लॉई अपॉइंट करें या नहीं, तो उन हजार लोगों से कंसेंट प्राप्त करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सरकार कहती है, लॉ कहता है कि हम इन शेयर होल्डर्स को पावर देते हैं, वो खुद अपने में से या कुछ रिस्पेक्टिव केसेस में बाहर के बंदों को डायरेक्टर्स चुन सकते हैं। यानी शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें इन जनरल मीटिंग, जो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होगी कंपनी की, उसमें इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें।
और 2 से 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर अपॉइंट होके आएंगे और मिनिमम होंगे. इनसे ज्यादा आप और ज्यादा नंबरों पे भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्क इन द कंपनी. अब मान लीजिए शेयर होल्डर्स ने 5 डायरेक्टर्स को चुना, लेकिन दिक्कत ये आती है कि वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में कंट्रीब्यूट किया, उस पैसे को जब डायरेक्टर्स साल भर में मैनेज करते हैं तो शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं कि उनके पैसे को डायरेक्टर्स ने कैसे मैनेज किया, यानी डायरेक्टर्स ने कितना पैसा कहां कहां खर्च किया, कहां कहां से रेवेन्यू क्रिएट किए, उस पैसे से कितने एसेट्स क्रिएट किए और उन एसेट्स को क्रिएट करने के लिए कोई और लायबिलिटीज ली या नहीं. और ये सारी बातें शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स से जानना चाहते हैं. शेयर होल्डर्स डायरेक्टर से पूछते हैं, भाई साहब हमें हिसाब किताब दीजिए हमारे पैसों का. और डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को रिपोर्ट करते हैं इन सारे खर्चों का इन फाइनेंशियल अकाउंट्स. हर साल फाइनेंशियल अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है कंपनी यानी डायरेक्टर्स. उसमें वो अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस बताता है कि जो भी खर्चे हुए वो सही हुए या नहीं. फिर बैलेंस शीट बनाता है जिसमें वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज बताता है कि आपके पैसों से हमने कितने एसेट्स क्रिएट किए और कितनी लायबिलिटीज खड़ी हुई. और टाइम टू टाइम नोट्स टू अकाउंट्स दिए जाते हैं कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज कंटिंजेंट एसेट्स के अलोंग विद कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड ऑल. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है अंडर फाइनेंशियल अकाउंट्स और शेयर होल्डर्स के हाथों में जो कागजात आते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के पीएनएल बैलेंस शीट के, वो ये जानना चाहता है कि इन अकाउंट्स में डायरेक्टर्स ने एक एक खर्चा एक एक रेवेन्यू का आइटम सही लिखा है या नहीं. तो कंपनीज एक्ट कहता है कि सर शेयर होल्डर्स को जानना है कि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में जितने भी खर्चे हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं, करेक्ट हैं या नहीं. इसके लिए हम शेयर होल्डर्स को पावर देते हैं कि एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन चुन के लाए. थर्ड इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा चुन के लाए जिसका ना तो कंपनी से लेना देना हो, ना कंपनी से कहीं कनेक्टेड हो, ना डायरेक्टर से कनेक्टेड हो और ना ही शेयर होल्डर से कनेक्टेड हो. यानी ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जिसका डिसीजन मेकिंग थॉरली अनबायस्ड हो, जिसके डिसीजन पे किसी का दबाव ना आए. ये एक तीसरा ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जिसका डायरेक्टर से कोई रिलेशन कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसका कंपनी से कोई रिलेशन और कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए. सो दैट जब उस पर्सन को हम भेजेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए तो उसका फैसले में कोई पार्शियलिटी ना आए. ठीक है. अब ये जो थर्ड पर्सन को भेजा जाएगा इन फाइनेंशियल अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑडिट. उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ऑडिट. और वो पर्सन जिसको एज एन ऑडिट करने के लिए भेजा गया उस पर्सन को हम बुलाएंगे ऑडिटर. वो थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन जिसको किताबों को एग्जामिन करने के लिए भेजा जा रहा है उसको हम ऑडिटर बुलाएंगे. और जब वो किताबों को एग्जामिन करेगा तो उस प्रोसेस को हम ऑडिट या ऑडिटिंग कहेंगे. और क्योंकि ये ऑडिट होना कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है, कंपनीज एक्ट कहता है ये एग्जामिनेशन होना कंपलसरी है सो दैट डायरेक्टर्स अपनी मनमर्जी ना चलाएं. डायरेक्टर्स जो भी शेयर होल्डर्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं उसका ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर बुक्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर शो करें. इसके लिए कंपनीज एक्ट ने इस ऑडिटर को अपॉइंट करना कंपलसरी कर दिया. देयरफॉर इस ऑडिटर को हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नाम भी देंगे. स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मतलब क्या होता है,
एनीवन हु इज कंपल्सरी अंडर लॉ. कोई भी बंदा जो लॉ के अंदर कंपल्सरी है उसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला जाता है, और ये ऑडिट को हम नाम देंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट बिकॉज इट इज कंपल्सरी अंडर कंपनीज एक्ट. क्लियर है बेटा? अब भाई साहब, आपको एक ऐसे बंदे से ऑडिट करवाना है, एग्जामिनेशन करवाना है, जो सही फैसला ले सके, शेयर होल्डर्स के हित में फैसला ले सके. तो लॉ मेकर कहता है आप उस पर्सन से एग्जामिनेशन करवाइए जो खुद फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट हो. और इंडिया में ये एक्सपर्टीज दी गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को. अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन होते हैं? वो कहता है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत जिन किसी ने भी डिग्री ली है, यानी फाइनल एग्जाम्स क्लियर करने के बाद, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेंबर बन गए हैं इंस्टीट्यूट के, हमारा मानना है वो अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट है. उन्हें पता है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें पता है कि अकाउंट्स बनाने में क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, फिर वो चाहे स्टैंडर्ड्स अकाउंटेंसी के हों या वो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के हों, इन सब की डिटेल नॉलेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गेन होती है. भाई हमारे इंस्टीट्यूट ने ऐसा करिकुलम बना रखा है जिसके तहत सीए के स्टूडेंट्स को ये सारी एक्सपर्टीज नॉलेज फ्रॉम द बिगनिंग दी जाती है, और अगर बच्चे ने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो हमारा एजम्पशन होता है कि ही और शी मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट. अब कोई भी स्टूडेंट सीए की डिग्री कंप्लीट करता है तो उसके पास इंडस्ट्री में दो ऑप्शन आते हैं. पहला ऑप्शन, या तो वो किसी के अंदर जॉब कंडक्ट करे, किसी के कंट्रोल सुपरविजन के तहत उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस फर्म का, उस कंपनी का एम्प्लॉय बन जाए, या वो खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकता है. यानी इंस्टीट्यूट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उसके पास ऑप्शन होता है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन करे. वो इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट ले सकता है कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है खुद की, और इंस्टीट्यूट आफ्टर मीटिंग सम कंप्लायंसेस सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को इश्यू कर देती है. अब लॉ मेकर कहता है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सीओपी है, हमारा मानना है वो थॉरली इंडिपेंडेंट होगा. यानी वो क्योंकि किसी के जॉब के अंदर नहीं आ रहा, किसी के एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं आ रहा, किसी के एम्प्लॉय नहीं है, किसी के कंट्रोल सुपरविजन के अंदर नहीं है, प्लस वो कंपनी और डायरेक्टर से भी कनेक्टेड नहीं है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन है. जब शेयर होल्डर्स उसे अपॉइंट करके भेजेंगे कि आप जाके बुक्स फाइनेंशियल अकाउंट्स की ट्रू एंड करेक्टनेस देखिए, ट्रू एंड फेयरनेस देखिए, तो ऑटोमेटिकली वो एक अनबायस्ड डिसीजन दे सकेगा. और क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को फाइनली बुक्स एग्जामिन करने की पावर दी गई है, तो लॉ मेकर कहता है कि अब उसकी जिम्मेदारी होगी कि ऑडिट करने के बाद वो शेयर होल्डर्स को जिन्होंने उसे अपॉइंट किया है उसको रिपोर्ट करे रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल अकाउंट्स, के फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो भी एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं, बिल्कुल करेक्ट हैं या नहीं, इसके बारे में रिपोर्ट बना के दे टू दी शेयर होल्डर्स. और इस रिपोर्ट को अब से हम नाम देंगे ऑडिट रिपोर्ट. क्लियर हो रहा है बेटा ऑडिट की पूरा कंसेप्ट? तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? एग्जामिन करना. अब यहाँ पे हम क्या एग्जामिनेशन करा रहे हैं? आज हम कंपनी ऑडिट से शुरू कर रहे हैं. तो हमने देखा एक कंपनी है विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इस कंपनी के अंदर पैसे रेस किए जाते हैं टू दी शेयर होल्डर्स, और उस पैसे की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको शेयर होल्डर्स ने ही अपॉइंट किया है, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो पैसों को मैनेज करे डेली बेसिस पे, और जो भी पैसा मैनेज किया है डायरेक्टर्स ने उसको वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के अंदर सब कुछ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के
इनफ्लोज आउटफ्लोज दिखाए जाते हैं। अब हमें चेक करना है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो भी चीजें गिवन है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो उसके लिए शेयर होल्डर्स जिसका एक्चुअली पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर, उसको हम पावर देते हैं कि वो एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करके लाए। जनरली ये पावर शेयर होल्डर्स के पास होती है क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ है, तो उनको पावर दे दी जाती है कि आप एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करके लाइए और उसको अधिकार दे दीजिए कि वो फाइनेंशियल अकाउंट्स की ट्रू एंड फेयरनेस की करेक्टनेस को एग्जामिन करे, और इस एग्जामिनेशन को हम नाम देते हैं ऑडिट। जो पर्सन ये ऑडिट करता है उस पर्सन को हम बुलाते हैं ऑडिटर, और क्योंकि ये ऑडिट कंपनीज एक्ट में कंपल्सरी है, देयरफॉर इस ऑडिट को हम कहते हैं कंपनी के ऑडिट को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, और जो बंदा इस ऑडिट को कर रहा है उस पर्सन को हम नाम देते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स को एग्जामिन कर रहा है, तो वी प्रिज्यूम दैट ही मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। देयरफॉर हमने इसकी कंडीशन डाली कि ही मस्ट बी अ सीए हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सो दैट ही कैन पास एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। और जो भी डिसीजन होता है इसका, यानी वो डिसीजन सही है, यानी किताबों में जो भी खर्चे लिखे हैं वो सही है या नहीं है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये सारे फैसले ऑडिटर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है अंडर अ डॉक्यूमेंट नोन एज ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है बेटा? चलिए आइए शुरू करते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन था, ब्रीफिंग था। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस में। कंपनी ऑडिट के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बहुत सारी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस डाली गई, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। कंपनीज एक्ट में चैप्टर 10 है, दिस इज चैप्टर 10 इन रोमन कैपिटल में चैप्टर 10 है, जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में बात कर रहा है, और उसके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 141 जो हमें ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है। सबसे पहले हम जब क्वालिफिकेशंस पे जाते हैं तो हमने देखा ये क्वालिफिकेशन कौन होने चाहिए, कौन सा बंदा होना चाहिए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी ही मस्ट बी अ सीए having COP, ठीक है। लॉजिकली हमने देखा सर, क्योंकि आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को एग्जामिन करा रहे हैं तो हम तो उसी से एग्जामिनेशन कराएंगे जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है, फाइनेंशियल अकाउंट्स की एक्सपर्टीज है, और मोर ओवर उस पर वो बंदा सेल्फ प्रैक्टिस में होना चाहिए जिससे उसका डिसीजन कहीं पे भी बायस्ड ना हो, अनपार्शल फैसले ले सके वाइल डिटर्मिनिंग वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट, ठीक है। दूसरा वो कहता है ही कैन बी एन इंडिविजुअल, वो कौन होना चाहिए, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, या एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एंड दिस फर्म कैन बी LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अदरवाइज ऑल्सो, यानी अगर कोई फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं भी है बट वहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अगेन बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो वो दोनों भी आपका ऑडिट कर सकते हैं, बशर्ते मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्टनर मस्ट बी अ सीए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वो क्या कहना चाह रहा है सर, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, मोर देन 50%। यहां पे बदलाव आया, पहले वो कहता था हम उसी फर्म से ऑडिट कराएंगे जहां पे सारे के सारे पार्टनर्स सीए हों, बट कंपनीज एक्ट 2013 ने अमेंड किया और उन्होंने कहा कि कोई भी फर्म हो, चाहे वो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म हो जहां पे हर पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, या वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो जहां पे हर पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो नहीं है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस वो लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है, तो वो दोनों ही फर्म्स आपका ऑडिट कर सकती हैं बशर्ते उस फर्म के अंदर कम से कम 50% से ज्यादा जो पार्टनर्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए और उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए फॉर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, ठीक है, वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सके। आगे वो क्या कह रहा है,
ओनली अ सीए पार्टनर शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट और साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो आप मान लीजिए एक फर्म है जिसमें तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, जिसमें से ए बी या लेट्स से एक और पार्टनर आ जाता है डी, जिसमें से ए और बी जो हैं वो सीए और सीओपी रखते हैं, सीए जो सी है पार्टनर वो भी सीए और सीओपी रखता है, लेकिन डी पार्टनर खाली सीए है, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, तो भी ये फर्म क्वालिफाइड है, ऑडिट कर सकती है, बट इसमें जो ऑडिट करेंगे और जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेंगे वो कौन से तीन पार्टनर हो सकते हैं, ए बी या सी। सिमिलरली मैं कहूं एक फर्म है जिसमें ए जो है वो सीए विद सीओपी है, बी जो है वो सीए विद सीओपी है, सी खाली सीएस है और डी के पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो क्या ये फर्म क्वालिफाइड होगी? चेक करके देख लीजिएगा। इन्होंने कहा सर चार में से दो पार्टनर्स के पास सीए प्लस सीओपी है, यानी 50% जो है हमारे पास मेजॉरिटी रूल अगर हम लगाएं तो दे आर सीए विद हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, दे आर एलिजिबल टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ दिस फर्म, हाउएवर उसमें ऑडिट सिर्फ सीए एंड ए और बी करेंगे। थर्ड में कह दूं खाली इसमें ए है चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सीओपी है, दूसरा बंदा सीएस है, तीसरा बंदा सीएमए है और चौथे बंदे के पास प्रोफेशनल डिग्री ही नहीं है, तो क्या ये फर्म ऑडिट कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सीए नहीं है, देयरफॉर दिस फर्म इज नॉट क्वालिफाइड टू कंडक्ट द ऑडिट। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो उन्होंने कहा कौन सी पार्टनरशिप फर्म ऑडिट कर सकती है जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मस्ट बी सीए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इन इंडिया। दिस इज ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में खाली दो कंडीशंस आई, क्या क्या कंडीशंस आई? पहला, वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, दूसरा वो इंडिविजुअल हो या फर्म हो बट फर्म के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मस्ट बी सीए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस इन इंडिया, एंड जो भी पार्टनर्स हैं जो सीए और सीओपी दोनों रखते हैं सिर्फ वही पार्टनर्स ऑडिट का एक्ट कर सकते हैं और फाइनली उन्हें जो ऑडिट रिपोर्ट बना के देनी है उसमें साइनिंग अथॉरिटी भी सिर्फ और सिर्फ वही पार्टनर्स रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्टली सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 आया जो बात कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन की। अब सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन दोनों बता रहा है, उसका सबसेक्शन 3 यानी ऑड नंबर हमें डिस्क्वालिफाइड लोगों की लिस्ट दे रहा है, उन ऑड लोगों की लिस्ट दे रहा है जिन जिनको एज एन ऑडिटर हम अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, ये क्या कह रहा है आइएगा समझते हैं। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ने कहा ही मस्ट नॉट बी ए बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। बॉडी कॉर्पोरेट का लिटरल मीनिंग होता है एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी लॉ की निगाह में सेपरेट अस्तित्व है, जैसे कंपनी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें एलएलपी भी आती है बट ऑडिटर के लिए एलएलपी को यहां से डिस्क्वालिफिकेशन से हटा दिया गया। एलएलपी को डिस्क्वालिफिकेशन से हटा दिया इसका मतलब क्या है, एलएलपी शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब कारण समझते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट को क्यों डिस्क्वालिफाई किया, एक बार रीजन देखिएगा।
सर मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, अब इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए थे और उसकी मैनेजमेंट देख रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ऐसे में एक दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड जिसमें मेंबर्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी वाई लिमिटेड जो एक कंपनी है उसके मेंबर्स क्वालिफिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सारे मेंबर्स मेजॉरिटी मेंबर्स सीए भी हैं और उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है। अब वाई लिमिटेड को अगर हम एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं और वाई को कहते हैं आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कीजिए, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उन्हें क्वालिफाई किया जा रहा, समझते हैं। सर आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि जब भी किसी कंपनी के मेंबर्स जुड़ते हैं तो जनरली मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि कल को अगर ये कंपनी कुछ फ्रॉड करती है, कुछ लॉस इनकर करती है, तो मेंबर्स कंपनी के प्रति एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक ही लिमिटेडली लायबल होंगे, उसके अलावा ये मेंबर्स किसी और चीज के लिए लायबल नहीं होंगे। मान लीजिए मेंबर्स की लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की, और वाई लिमिटेड जब ऑडिट करती है तो इस ऑडिट के दौरान फ्रॉड होता है 50 करोड़ का। अब ये फ्रॉड खुला और कंपनी यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स वाई लिमिटेड के पास पहुंचे इस फ्रॉड का कंपनसेट कराने के लिए, यानी शेयर होल्डर्स ने कहा वाई लिमिटेड को कि सर आपने इस फ्रॉड में हेल्प किया, मैनेजमेंट तो फ्रॉड कर ही रही थी, आपने उस पे और स्टैंपिंग कर दी, अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई जो हो रहा है वो सही हो रहा है, इसका मतलब आप दोनों ने मिली भगत की, भाई डायरेक्टर ने गड़बड़ की, आपने कहा नहीं नहीं सब कुछ सही है, डायरेक्टर्स कुछ गलत नहीं कर रहा, बाद में डिटेल में एग्जामिनेशन करवाने के बाद हमें पता लगा नहीं सर गड़बड़ तो हुई है, और उस गड़बड़ में वो भी डायरेक्टर्स भी जुड़े हैं और आप भी जुड़े हैं। अब आपने जितने की गड़बड़ की, आपने शेयर होल्डर्स के जितने पैसे का मैनिपुलेशन किया, फ्रॉड किया, इसके लिए आप दोनों पार्टी जिम्मेदार हो, डायरेक्टर्स भी जिम्मेदार हैं और ऑडिटर भी जिम्मेदार है। बट बताइए वाई लिमिटेड जिसका पेड अप कैपिटल ही 5 लाख रुपए का है और उसमें उसके मेंबर्स की लायबिलिटी 10 लाख रुपए है, क्या वो कभी भी इस फ्रॉड के अमाउंट को कंपनसेट कर पाएगा? मान लो 50 करोड़ में से 25 करोड़ शेयर होल्डर्स को लौटाने हैं मैनेजमेंट ने और 25 करोड़ लौटाने हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, तो क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर बीइंग अ वाई लिमिटेड सेपरेट लीगल एंटिटी शेयर होल्डर्स को कंपनी को 25 करोड़ कभी भी दे पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है सर। कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी उसके मेंबर्स का कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, कल को मेंबर्स रहे ना रहे कंपनी फिर भी एग्जिस्टेंस में रहेगी और जो भी मेंबर्स है उनकी कंपनी के प्रति लायबिलिटी लिमिटेड है विच इज अप टू 10 लाख। तो जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी वाई लिमिटेड से 25 करोड़ मांगे जाएंगे तो वाई लिमिटेड कितना दे पाएगा? सर 5 लाख जो उसका पेड अप कैपिटल है प्लस 10 लाख जो वो शेयर होल्डर्स मेंबर से ले सकता है, यानी मैक्सिमम वो 15 लाख की ही लायबिलिटी पूरी कर पाएगा, बाकी पैसा वो किसी हालत में नहीं दे सकता। तो लॉ मेकर ने भी कहा सर कंपनी जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके मेंबर्स, सर कंपनी तो आके एक्चुअली तो एग्जामिन नहीं करेगी ना, कंपनी तो अपना ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी तो अपना काम अपने मेंबर से करवाएगी, और मेंबर्स जो हैं जो एक्चुअली गड़बड़ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो गड़बड़ में सहयोग कर रहे हैं, उनकी तो लायबिलिटी ही लिमिटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉ मेकर ने कहा कि अब हम इस कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी का ऑडिट किसी भी हालत में नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए।